Alright, what's up guys, welcome back to the video. So finally, गेम की 6th एनिवर्सरी लाइव आ चुकी है. सो आप यहाँ पर अब जैसे आप गेम खेलोगे खोलोगे तो आपको बूस्ट लाइव दिखेगा, जो कि है यहाँ पर 7 दिन का बूस्ट है, जहाँ पर आपको इंक्रीज्ड गोल्ड और बैटल चिप्स मिलता है, वो भी 20% से. तो जितना हो सके उतना अरीना ग्राइंड करो. एंड देन आपको दूसरी 2 मैसेज मिलते हैं, एक हैप्पी 6th एनिवर्सरी का, जहाँ पर आपके टाइटल के हिसाब से, जैसे कि आप कैवेलियर हो थ्रोन पे करो तो वो टाइटल के हिसाब से आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं. तो कैवेलियर वाले प्लेयर्स को 15,000 फाइव स्टार शार्ट और 5,000 सिक्स स्टार हीरो क्रिस्टल शार्ट मिलते हैं. सो हम इसको क्लेम कर लेंगे. एंड देन जो थ्रोन ब्रेकर है उन लोगों को 10,000 सिक्स स्टार शार्ट, फाइव स्टार शार्ट एक भी नहीं है. तो वो एक थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बट आई मीन मैं ले लूँगा कैवेलियर के हिसाब से, काफ़ी अच्छा दिया है. एंड देन हम नेक्स्ट जाए तो दूसरी पोस्ट में इन लोगों ने टाइटल दिया है, क्योंकि जितने साल से आप गेम खेल रहे हो तो उसके हिसाब से आपको टाइटल मिलता है. तो शील्ड एजेंट है, तो जो कि न्यू टू द कॉन्टेस्ट है, मतलब जस्ट स्टार्ट किया, एंड देन आपको ये टाइटल मिलेगा. एंड मेरे को जो टाइटल मिला है वो एंशेंट वन है, इसका मतलब कि मैं 4 साल से खेल रहा हूँ, ओवर 4 ईयर्स, तो 4 साल के ऊपर से खेल रहा हूँ. एंड देन जो लोग 5 साल होंगे उनको एसगार्डियन वॉरियर, जो कि नेक्स्ट ईयर मिलेगा. एंड देन एल्डर ऑफ द यूनिवर्स, जो कि जिस टाइम से गेम रिलीज हुई है 2014, उस टाइम से जो खेल रहे होंगे उन लोगों को मिलेगा. सो हम इसको भी क्लेम कर लेते हैं जल्दी से. एंड देन मूविंग ऑन, दूसरी एक चीज़ की मेरे पास रिवॉर्ड्स बहुत सारे पड़े क्लेम करने के लिए. यहाँ पर आप देख सकते हैं रिवॉर्ड्स में 82 पड़े, तो जैसे मैं क्लेम करूँगा तो ऑब्वियसली मेरे को जितना भी गोल्ड बूस्ट है, अरीना बूस्ट है, बैटल चिप्स है, ये सब अप्लाई होके ही मिलेगा. एंड प्लस मेरी आइटम्स भी बहुत सारी फिनिश होने को आई है. दूसरी बात, यहाँ पर हमको अरीना देखने मिल जाती. अरीना से पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं हॉल्स ऑफ ग्लोरी, जहाँ पर आपको गोल्ड और आईएसओ मिलता है. जिनके पास नहीं है उनके लिए काफ़ी अच्छा है. एक दिन ये रहेगा एंड दूसरे दिन आएगा, नेक्स्ट आएगा हॉल्स ऑफ हीलिंग, जहाँ पर आपको पोशंस और रिवाइव मिलते हैं. एंड सबसे मेन बात बता दूँ, ये एंट्री लिमिटेड है. अगर आप सिर्फ क्वेस्ट देखने के लिए अंदर जाओगे, यहाँ पर जैसे ही ये अभी तो थोड़ा लोड हो रहा है, 1 मिनट ये लोड हो जाए. सो जैसे यहाँ पर आप बिगिन क्वेस्ट करोगे तो ये क्वेस्ट स्टार्ट हो जाएगी. तो अच्छा रहेगा कि आप जैसे ही एंटर करो तो एक्सप्लोर कर लो, पाथ यूज़ कर लो, क्योंकि अगर आप बैकअप वापस बाहर आओगे तो वो एंट्री, ये 3x3 जो लिखा है नीचे, वो एंट्री एक कम हो जाएगी एंड एक्सप्लोर आप नहीं कर पाओगे, तो एक्सप्लोरेशन के रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे. सो वो एक थोड़ा सा ध्यान रखना. एंड 3 दिन ही आएगा तो ऑब्वियसली कर लेना, सारे के सारे डिफ़िकल्टी कर लेना. आई मीन आईएसओ तो कभी भी किसी को भी कम पड़ सकता है, आई मीन हू नोस. और नेक्स्ट डे वाला जो कहते हैं रिवाइव्स और पोशंस मिलेंगे. एंड देन अरीना में जाए तो अरीना में अभी स्पेशल अरीना है, जो 6 स्टार शार्ट्स वाली अरीना है, जहाँ पर आपको 1 और 2 स्टार्स यूज़ करने हैं. तो ये वाली अरीना में मोस्टली आप हमेशा कर ही लेना, क्योंकि इसके रिवॉर्ड्स देखे तो ऑलमोस्ट आपको 5,000 सिक्स स्टार शार्ट्स देता है. सो लास्ट वाला माइलस्टोन है 10th वाला, जो कि 4 मिलियन है. एंड ये बीच में जो अरीना नहीं आई थी, आई गेस सितंबर या अक्टूबर में कहीं पर तो आई थी, जहां पर आपको 10,000 फाइव स्टार शार्ट्स मिल रहे थे, तो वो सेम है. यहां पर 2 स्टार और 1 स्टार जो चैम्पियन है वो काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स देंगे, तो उसके हिसाब से अरीना है. तो आई गेस 20 से 30 राउंड्स तक आपके 1 मिलियन हो जाने चाहिए. 1 मिलियन भी नहीं, उस टाइम तो शायद 10 मिलियन समथिंग थे, आई मीन कम राउंड्स में हो जाने चाहिए. तो ये भी काफ़ी अच्छा रहेगा. प्लस ये कितने दिन के लिए है, आई गेस 7 दिन के लिए है. या 7 दिन के लिए तो काफ़ी अच्छा लंबा टाइम है, तो आप आराम से कर सकते हो उसको. एंड यहाँ पर रिवॉर्ड्स, हाँ रिवॉर्ड्स में देख रहा था, शार्ट्स आई गेस 5,000 होने चाहिए, आई एम नॉट सो श्योर, बट स्टिल काउंट कर लेता. ये 1500 हो गए, एंड देन 2000 एंड देन 3, 4, 4.5 और 5. ओके, सो 5,000 सिक्स स्टार शार्ट्स है अगर सारे के सारे माइलस्टोन कंप्लीट कर ले तो. एंड यूनिट्स भी है, काफ़ी अच्छे यूनिट्स है. एंड प्लस कलेक्टर क्रिस्टल्स, जो कि 1 स्टार और 2 स्टार के चैम्पियंस रिलीज करते हैं, देते हैं आपको, तो वो भी काफ़ी अच्छा है. तो अपडेट काफ़ी अच्छा, आई मीन एनिवर्सरी का रिवॉर्ड्स है वो काफ़ी अच्छे है. एंड या फाइनली, अगर आप कोई भी अभी एक्सप्लोरेशन करने वाले हो तो कर लो. आई गेस
वेरिएंट 1, 2, 3 जो भी आप एक्सप्लोर करने वाले हो तो कर लोगे। यहाँ पर वेरिएंट को शायद 100% एक्सप्लोर करने से 1 मिलियन गोल्ड मिलता है, तो उस पर प्लस 20% का गोल्ड बूस्ट डेफिनेटली काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड प्लस मैं पहले ये रिकॉर्डिंग बंद करके पहले मैं सबसे पहले अपने सारे के सारे रिवॉर्ड्स क्लेम करूँगा। एंड अभी भी मैं कह सकते हो कि जो बैटल चिप्स है वो अभी के दिन नहीं खोलूँगा, जो लास्ट दिन आएगा 7वें दिन, जहाँ पर आई गेस 3 या 4 घंटे का टाइम लिमिटेड टाइम रहेगा, तब जाके मैं सारे के सारे बैटल चिप्स खोलूँगा। उससे क्या कि जितना भी मैं पुश कर सकूँ अरीना जितना भी होगा मैं खेल सकूँ तो उतना एक्स्ट्रा मैं बैटल चिप्स कमा पाऊँगा। एंड देन मैं हो सके तो काफ़ी ज़्यादा यूनिट्स हो जाएंगे। एंड जाते जाते आपको क्रिस्टल की स्टैश बता दूँ मेरा। एंड हम यहाँ पर एक्चुअली 64,000 क्रिस्टल्स है, आई मीन 64,000 शार्ड्स पर बैठे हैं। एंड प्लस एक फुल्ली फॉर्म्ड है जो कि हमको मिला है जॉन मुलेनिस चैप्टर 1 एक्सप्लोर करके। चैप्टर 2 अभी भी नहीं किया है मैंने, अभी मैं चैंपियंस ढूंढ रहा हूँ उसको कंप्लीट करने के लिए। एंड देन जो 6-star शार्ड्स है वहाँ पर अभी 15,000 है आई गेस, आई कैवेलियर एक्सप्लोर करके। एंड देन जो अरीना भी है 2-star और 1-star वाले अरीना है सो उसको एक्सप्लोर करके आई गेस 25,000 के आसपास हो जाने चाहिए। अगर सम वॉट हम लोग 5-star क्रिस्टल्स खोलते हैं तो वहाँ से होपफुली 30 के आसपास मिल जाते तो काफ़ी अच्छे होंगे, क्योंकि मैं एक्चुअली जैसे ही 6-star के जो फीचर्ड क्रिस्टल्स है वो जैसे ही लाइव आएंगे तब हम ओपनिंग करेंगे, क्योंकि 6-star फीचर्ड पूल बहुत ही ऑसम है। एंड वैसे भी मेरे पास 6-star रोस्टर है नहीं, तो जितने भी चैंपियंस मिलेंगे वो न्यू ही होंगे, कोई भी डुप्लीकेट होगा नहीं, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो देखते हैं तब तक कि जितना एक्सप्लोर कर पाऊँ मैं करूँगा, क्योंकि अभी नेक्स्ट ट्यूसडे को आई गेस यहाँ पर जैसे ही ये वाला फीचर्ड 6-star ख़त्म होगा, ओके 4 दिन और 21 घंटे बाकी है, तो जैसे ये ख़त्म होगा 6-star फीचर्स लाइव आ जाएंगे तो हम वो वाली ओपनिंग कर पाएंगे। सो या इतना सा है वीडियो। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।